हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, यह सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल। तो आज हमारे पास एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा क्यूटू शूटू सा शिट्ज़ू का पपी है। लास्ट टाइम जो पपी आपने देखा था वो मेल था, जो हमने बोला था अब तक के चैनल का सबसे खूबसूरत मेल पपी था, और ये हमारे चैनल पे अब तक की सबसे खूबसूरत फीमेल पपी होने जा रही है। ये जस्ट अभी आई है बड़े ही दूर से, आंखों में किच्चू आ गया है तुम्हारे। तो बेसिकली दोस्तों, अगर शिट्ज़ू की हम बात करें, ये एक टॉय ब्रीड है जो कोई भी रख सकता है, परवाह नहीं कि आप बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, हस्बैंड है, वाइफ हैं, चाचा चाची ताऊ, कोई भी रख सकता है। ये बड़े यूज़र फ्रेंडली है, मतलब ये किसी के भी साथ बहुत आराम से दोस्ती कर लेते हैं। इनको कार में घूमना, एक्टिवा पे घूमना, आपके गोद में रह के घूमना काफ़ी पसंद होता है। खाने पीने के मामले में ये बड़े चूज़ी होते हैं, मतलब बहुत नाटक नौटंकी नखरा होता है इनका खाने पीने के मामले में। जब जब मौसम बदलेगा इनके खाने पीने का नाटक स्टार्ट हो जाता है। एक डॉग फूड छोड़ के इनको दूसरा डॉग फूड पसंद आएगा, दही खाते रहेंगे तो दही छोड़ के फिर इनको रबड़ी अच्छी लगने लगेगी, कभी खूब आम खाएंगे फिर वाटरमेलन अच्छा लगने लगेगा। तो बदल बदल के इनको खाना देना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को अभी क्या देंगे, इतने छोटे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टर और सेरेल यही दिया जाता है। मैं ये बातें बड़े होने के बाद की बात कर रहा हूँ। और इसी जैसा दिखने वाला लासा एप्सू भी होता है, बट लासा एप्सू यूजुअली आपको सिंगल कलर में मिलेगा, कभी भी दो कलर्स में लासा एप्सू नहीं दिखते। तुम बहुत बदमाशी कर रही हो यार, देखो आगे। सो शिट्ज़ू जो ब्रीड है बेसिकली चाइनीज ब्रीड है, और शिट्ज़ू का यूज़ पुराने समय में जो बौद्धिस्ट थे, यानी कि महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग, महात्मा बुद्ध के प्रवर्तक, वो पुराने समय में इनको बंदरों से सुरक्षा के लिए जंगलों में पालते थे, तिब्बत पे पालते थे, या जहाँ जहाँ भी चाइना के एरिया में है, जापान में। बहुत ज़ोर से काट रहे हो तुम, तुम्हारा दांत बहुत तेज है। वो लोग इनका यूज़ करते थे बंदरों को भगाने के लिए। हालांकि ये कर तो कुछ नहीं पाएंगे बंदरों का, बट भौंक भौंक कर लासा एप्सू और शिट्ज़ू, ये दोनों ही, अच्छा लोगों को ऐसा लगता है कि ये काटते नहीं, ये बड़े शरीफ होते हैं। मतलब अगर आपने इनको इरिटेट कर दिया और खिजला दिया, सो दीज आर एंकल बाइटर्स, ये आपकी पैरों की एड़ियों को कचाक से काट के भाग जाते हैं। ये इतने शरारती होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता, बट हाँ थोड़ा सा दर्द तो होता ही है। तो अगर आप एक ऐसे डॉग की तलाश में हैं जो आपके साथ हमेशा घर में रहे, सोफे पे रहे, बेड पे रहे, छोटा रहे, मेंटेनेंस बहुत कम हो, तो ये एक ऐसी ब्रीड है जिसको आप आराम से 500, 700, 800 रुपए महीने में पाल सकते हैं। इनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, खर्चे अगर आते भी हैं थोड़े बहुत तो ग्रूमिंग पे आते हैं, क्योंकि ये बाल वाले डॉग हैं, तो आपको एक अच्छा शैम्पू हर महीने चाहिए, महीने में दो बार तो वॉश करना ही करना इनको है, नहलाना रहता है, एक कंघी आपको लेनी पड़ेगी, एक ग्रूमिंग किट में इसके एक कंघी होती है, क्लिकर होता है, ब्रश होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। खाने पीने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, इतना सा पेट है, इतना सा खाते हैं, इतना सा पॉटी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं करते। अच्छा, क्योंकि ये बाल वाले डॉग हैं, और जो बाल वाले डॉग या कैट नहीं हैं उनके लिए भी, अगर आप कोई भी मीठी चीज़ देते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, जलेबी, या घर में किसी ने प्रसाद दे दिया, पेड़ा दे दिया, लड्डू दे दिया, तो हेयर फॉल होना निश्चित है। हेयर फॉल कभी भी तुरंत नहीं होगा मिठाई देने पे, वो एक महीने बाद, दो महीने बाद, मे बी चार महीने बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, और आपको लगता है अचानक हेयर फॉल क्यों स्टार्ट हो गया। हाँ, प्यार कर लो। शिट्ज़ू बेसिकली दोस्तों इंडिया में 6 से 7 कलर्स में मिल जाते हैं। पहला और सबसे ज़्यादा ट्रेंडी कलर जो कि आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसी को मांगते हैं और जानते भी हैं, ट्राई कलर इसे कहते हैं, यानी कि तीन कलर वाला शिट्ज़ू, वाइट, ब्राउन और आंखों पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक शेड है। इसके अलावा आपको ब्लैक कलर में शिट्ज़ू दिख जाएंगे, ग्रे कलर में दिख जाएंगे, सेबल कलर में दिख जाएंगे, गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, इन सारे शेड्स में भी शिट्ज़ू दिख जाते हैं। कुछ कुछ जगहों पे हमने वाइट शिट्ज़ू भी देखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। टॉय ब्रीड होने की वजह से ये काफ़ी कम जगह ऑक्यूपाइड करते हैं, तो अगर आप 1 BHK में रहते हैं या किसी किराए के एक रूम में भी रहते हैं, तब भी आप इनको बहुत आसानी से रख सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा लंबी वॉक की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करके ही अपना दिन भर का वर्कआउट कर लेते हैं और थोड़ा सा खा के खुश हो जाते हैं। जब भी आप पपी लें तो 2-4-5 बातों का ध्यान रखें। शिट्ज़ू के अलावा कोई भी पपी आप कहीं से भी ले रहे हों, एक्टिविटी ज़रूर देख लें कि पपी एक्टिव है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा सुस्त है तो हो सकता है पपी आपका बीमार हो, ऐसा तो नहीं पपी बहुत ज़्यादा गंदा है, स्मेल आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं 2-4-10 दिन में बीमार हो जाएगा। अब ये पपी पूरा नीट एंड क्लीन है, अगर आप इसको पास से सूंघेंगे या मैं इसके गाल से भी लगा रहा हूँ तो मुझे पता है ये पूरा नीट एंड क्लीन है। तो जब भी लें, हड़बड़ी में हम हमेशा एक्साइटमेंट में 1-2 मिनट में ले देते हैं और घर भाग जाते हैं,
और फिर अगर पपी एक आध दिन में या एक आध दो घंटे बाद बीमार होता है तो आपको नियम कानून बताया जाता है कि दरवाजे से निकलने के बाद जीवन मृत्यु की गारंटी नहीं है, इस तरीके की बातें। तो आधा घंटा, एक घंटा, चार घंटा रुक के लीजिए, एनालिसिस करिए, चेक कीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए, तभी लीजिए। चाहे लेब्रा, जर्मन, पर्शियन कैट, कुछ भी आप ले रहे हो, एक चूहे के बच्चे को भी देख के लें, क्योंकि आप उसको फैमिली मेंबर बनाने जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम पे saurabh_dog_kennel इस नाम से हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप फॉलो कर ही रहे हैं। लिंक्डइन की लिंक हमारा नीचे आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म छूटा नहीं है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये गुड़िया आपको कैसी लगी। और नम्रता जी के यहाँ जा रहा है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से। तो ये जाए और बच्चों के साथ और घर में खुशियों का माहौल बना रहे और बहुत अच्छे से रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रतिदिन सुबह 9 बजे एक वीडियो अपलोड होती है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर दिन की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे टिंग टोंग करके मिल जाए। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, पैसा नहीं लगता, दबा दीजिए। हाँ, यही वाला दबा दीजिए, गुड बॉय। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर कीजिए। आपका सौरभ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।